चैप्टर पढ़ने वाले नया चैप्टर बायो मॉलिक्यूल, ठीक है। बायो मॉलिक्यूल देखो, बायो ग्रुप के लिए बहुत ही आसान सा चैप्टर और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। लगभग इससे 6 नंबर क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, उत्तर किए जाते हैं, बोले जाते है ना, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं। तो बायो मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें, अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, लिविंग बॉडी की बात करूं, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने के लिए या कार्यों को करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल की क्या होती है, जरूरत होती है। और वो जो मॉलिक्यूल होते हैं बायो मॉलिक्यूल के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है ना, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स हो गए, हार्मोन विटामिन हो गए, ये सब है ना। तो बायो मॉलिक्यूल्स आप लिख रहे इसमें, हाँ सजीवों को जीवित रहने तथा कार्यों को करने के लिए कुछ घटक कणों की आवश्यकता होती, कुछ घटक कणों जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हार्मोन्स, विटामिन, आपकी आवश्यकता होती है, जो जैव अणु कहलाते हैं, ठीक है, जो क्या कहलाते हैं। देखो ये क्या हो गया, बायोमॉलिक्यूल जो है इस चैप्टर के बारे में थोड़ी स्टोरी होगी। अगर मैं बायोमॉलिक्यूल की बात करूं तो बायोमॉलिक्यूल को हम मतलब दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, एक तो बायो ऑर्गेनिक, ठीक है, और एक दूसरा क्या, बायो इनऑर्गेनिक। जैसे हमारी अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, जबकि हमारी बॉडी में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। तो बायो मॉलिक्यूल में हम बायो और इनऑर्गेनिक की बात नहीं करेंगे, इसकी स्टडी हम इसमें नहीं करेंगे, हम सिर्फ बायो ऑर्गेनिक की बात इसमें करेंगे। अगर मैं बायो ऑर्गेनिक की बात करूं तो इसमें जनरली हम बायो मॉलिक्यूल को फोकस करेंगे, ठीक है। अब बायो मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इसको मैं दो पार्ट में क्लासिफाई कर दूं, तो एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और एक इसका दूसरा अदर पार्ट आता है। इंपॉर्टेंट पार्ट में जैसे पहला कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, इसी कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है। दूसरा जो होता है कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, क्या प्रोटीन एनर्जी देता है, नहीं देता, ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, जैसे हेयर, नेल्स है ना। तीसरा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, इसी में हम लोग आरएनए डीएनए बना देंगे। एक अदर पार्ट में आता है आपका लिपिड्स आते हैं, ठीक है, हार्मोन आते हैं और विटामिन आते हैं, ठीक है। तो बायो मॉलिक्यूल की
इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट की अगर बात करें तो दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट पार्ट अपना क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन की बात करूँ तो जितने भी क्वेश्चन कट किए जाते हैं ये जनरली कार्बोहाइड्रेट से किए जाते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड में विस्तार पूर्वक आपका इसमें आरएनए के बारे में पूछ लेगा या फिर किसके बारे में, डीएनए के बारे में पूछता। तो अपने को कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड के बारे में क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है, सही है ना? ठीक है, तो इसको आप कॉपी करो। कार्बोहाइड्रेट पहला टॉपिक क्या है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हाइड्रेट ऑफ किसका, कार्बन का। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ठीक है, हाई कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन के क्या होते हैं, हाइड्रेट होते हैं, यही अपने को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट से ओल्ड डेफिनेशन की बात करूं, जो पुरानी हमारा है ना, जो पहले के लोग बताया करते थे और हम भी बताने जा रहे हैं, है ना, इसका जो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंट करने का, कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करने का जो जनरल फॉर्मूला होता है, ये CHH2O मैं होल वाली करूं या CaH2O होल बी करूं, कुछ भी करूं, XY जहां नंबर को डिनोट करेंगे, XY जहां क्या करेंगे, नंबर को डिनोट करेंगे। ठीक है, ये ओल्ड डेफिनेशन है, मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कार्बन के हाइड्रेट्स जिनको CHH2OY के द्वारा क्या किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके, वो क्या कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड पाए जाते हैं जिनको CHH2OY के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है लेकिन वास्तव में वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसको CHH2O होल वाई के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, है ना। इसलिए बाद में क्या हुआ, ओल्ड डेफिनेशंस की कोलैप्स करके मॉडर्न डेफिनेशन दे लेते हैं। तो सबसे पहले हम ओल्ड डेफिनेशंस की डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्या बताया, रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र है इसका, CHH2O होल वाई है। लेकिन केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है अपने पास जिसको CHH2O होल वाई के द्वारा तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है लेकिन वो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे पहले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे HCHO, इट इज अ फॉर्मिक एसिड, है ना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं C1H2O, है ना, लिख सकते हैं इस तरीके से हम लोग। लेकिन क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, नहीं है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसी तरीके से मैं बात करूं CH3COOH की, इट इज एसिटिक एसिड, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, C2H2O का होल ट्वाइस। इस तरीके से तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन क्या किया जा सकता है, लेकिन मतलब ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड COH और ये बॉन्ड H, इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं C3H2O होल 4 का तुमने, तीन दो पांच एक छह थ्री, है ना। लेकिन क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, नहीं है। कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको CHH2O के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता लेकिन वास्तव में वो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे स्टार्च की अगर बात करें या सेलुलोज की बात कर लें, जैसे C6H12O5, क्या इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है,
नहीं किया जा सकता, लेकिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, है ना। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जिसको इस फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए ओल्ड डेफिनेशन क्या हो जाती है? कोलैप्स हो जाती है। लेकिन आप ओल्ड डेफिनेशन डाल करके लिख लो, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिसको जिसको सामान्य सूत्र CHCH2O होल वाई के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, किया जा सके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, जिसमें से के स्पष्ट आप लिख लो, कहलाते हैं, ये स्पष्ट लिख लो। कुछ ऐसे भी यौगिक पाए जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें CHCH2O4Y के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, है ना। अब ये एग्जांपल देखिए, मैंने क्या बताया, इसके द्वारा तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, है ना। दूसरा केस सेकंड देख लो, केस सेकंड डालो। कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जिन्हें सामान्य सूत्र CHCH2O4Y के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जिसे रेमोस नाम का है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसे हम लोग CHCH2O4Y के द्वारा प्रेजेंट नहीं कर सकते, C6H12O5। पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड अथवा कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। एल्डिहाइड अथवा कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है।
है ना, हो गया। जैसे एग्जाम्पल या इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कोई कंपाउंड है जिसका हाइड्रोलाइसिस किया जाए और उससे कोई कार्बोहाइड्रेट कोई मतलब एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह प्राप्त हो तो भी अपना क्या होगा, कार्बोहाइड्रेटों का एग्जाम्पल करके लोग देखते हैं। जैसे कि मैं कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो जैसे ग्लूकोज है ना, इनका फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6 होता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं यहां HOH, ये HOH OHH, तीसरे कार्बन फिर HOH है ना, ये आपका क्या होता है ग्लूकोज होता है कि पॉलीहाइड्रोक्सी है। प्रेजेंट ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसका क्या है एल्डिहाइड। इसी तरीके से फ्रुक्टोज भी होता है, इसका भी केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन इसकी संरचना जो होती है स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है इसका डिफरेंट होता है। इसकी संरचना जो होती है CH2OH, ये CH2OH, यहाँ HOH, ये HOH, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ये C डबल बॉन्ड रो होता है, ये क्या होता है आपका, ठीक है। तो ये संरचना किसकी होती है, फर्स्ट क्लोज की होती है जिसमें कीटोनिक समूह प्रेजेंट होता है, और ये संरचना किसकी होती है ग्लूकोज की होती है जिसमें CHO ग्रुप क्या होता है। मैंने क्या बताया कि पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड जो कंपाउंड होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस किया जाए और उससे कोई कीटोनिक अथवा एल्डिहाइड समूह वाला कंपाउंड मिले तो अभी अपना कार्बोहाइड्रेट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सुक्रोज का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा दूं, है ना, हाइड्रोलाइसिस क्या करें हम लोग कराएं तो अपने को ग्लूकोज मिलेगा, एक यूनिट ग्लूकोज की मिलती है और क्या मिलती है फ्रक्टोज मिलता है ना जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगर मैं माल्टोज की बात करूं, इसका भी अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो अपने को दो यूनिट किसके मिल जाते हैं, ग्लूकोज मिल जाता है। इसी तरीके से अगर लैक्टोज है, लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करा दें, एक यूनिट किसकी मिलती है ग्लूकोज की और एक यूनिट किसकी गैलेक्टोज की मिलती है ना। तो ये सभी क्या क्या रहते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट में रहते हैं, है ना। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड कोई कंपाउंड है जिसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाए अपने को क्या मिले एल्डिहाइड, तो अपने कीटोनिक समूह वाला कोई कंपाउंड मिले तो अभी क्या कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, है ना। तो आपको अभी हम ग्लूकोज शुरू करें, सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम लोग ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज जिसका केमिकल फॉर्मूला C6H12, है ना। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं क्या कहलाते हो ग्लूकोज होते हैं, है ना, इसी को क्या कहते हैं शर्करा भी बोला जाता है ना हिंदी में। तो जो स्वाद में क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो स्वाद में मैं लिख दे रहा हूं, जो स्वाद में मीठे होते हैं, है ना, क्या होते हैं ग्लूकोज होते हैं। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज के क्लासिफिकेशन की बात करें ग्लूकोज, है ना, यहां से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना,
तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसे तीन पार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कौन सा, एक मोनोसैकेराइड, एक ओलिगोसैकेराइड और एक पॉलीसैकेराइड। तो इसमें जो यूनिट होती है, जो यूनिट परसेंट होते हैं, इसमें सिर्फ एक यूनिट परसेंट होता है। ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर के 10 यूनिट परसेंट होते हैं मोनोसैकेराइड के, है ना। मोनोसैकेराइड के 2 से 10 यूनिट इसमें क्या होंगे, और इसमें जो होगा मोर देन 10 यूनिट, 10 यूनिट से अधिक मोनोसैकेराइड इसमें क्या होंगे। अगर एक ही यूनिट है तो मोनोसैकेराइड, 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड के तो ओलिगोसैकेराइड, या 10 से अधिक कोई मोनोसैकेराइड है तो किसकी श्रेणी में आएंगे, वो पॉलीसैकेराइड की श्रेणी। अगर ये जो होता है मोनोसैकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मैं कह सकता हूँ। यानी इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाए तो सिर्फ एक ही यूनिट मिलेगी, जैसे कि इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे ग्लूकोज, जैसे कि फ्रक्टोज, है ना, जैसे गैलेक्टोज, जैसे गुलोज, है ना। अगर मैं ओलिगोसैकेराइड की बात करूं तो ये 2 से लेकर के 10 यूनिट क्या देते हैं, मोनोसैकेराइड देते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो एग्जांपल, अभी 3 एग्जांपल हम लोगों ने देखा हुआ है, जैसे सुक्रोज, है ना, दूसरा माल्टोज, तीसरा लैक्टोज। हम लोग जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते थे तो एक यूनिट ग्लूकोज की मिलती थी, एक यूनिट किसकी मिलती थी, फ्रक्टोज की। अगर हम लोग माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस कराते थे तो अपने को क्या मिलता था, 2 यूनिट ग्लूकोज का मिलता था। जब हम लोग लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो अपने को गैलेक्टोज मिलता था 1 यूनिट, और 1 यूनिट किसकी मिलती थी, ग्लूकोज की मिलती थी। तो किसकी श्रेणी में आते हैं, ओलिगोसैकेराइड। और ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस कराया जाए तो 10 यूनिट से अधिक मोनोसैकेराइड से ट्राई देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के अगर मैं बात करूं, जैसे स्टार्च, है ना, जैसे स्टार्च, जैसे ग्लाइकोजन, जैसे स्टार्च हो गया है, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, इन सभी का अगर हाइड्रोलाइसिस कराया जाए तो मोनोसैकेराइड के 10 यूनिट से अधिक मिलते हैं। इसलिए इसको हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं, पॉलीसैकेराइड के 2 से 10 यूनिट देने वाले ओलिगोसैकेराइड, और सिर्फ ये यूनिट देने वाला किसकी श्रेणी में होगा, मोनोसैकेराइड की श्रेणी में होगा। तो अपने को अगर लिखना है तो हाइड्रोजन फॉर्म में तो लिख लेंगे, ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर मात्र 1 यूनिट कार्बोहाइड्रेट देता हूं वो क्या होगा, मोनोसैकेराइड। या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड देते हैं, ओलिगोसैकेराइड। या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर 10 यूनिट से अधिक मोनोसैकेराइड के देते हो तो क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल मैंने बताया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ये ग्लूकोज किसके हो गए, मोनोसैकेराइड के हो गए। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज किसके हो गए, ओलिगोसैकेराइड के। स्टार्च, ग्लाइकोजन, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड, है ना। ठीक है, तो अगर मैं मोनोसैकेराइड की बात करूं, जैसे देखो कुछ ऐसे भी कार्बोनेट अधिक है, कुछ क्या है, सभी लगभग जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, और जो स्वाद में मीठे होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, शर्करा कहते हैं। इस बात को आप नोट करके रखेंगे, दिमाग से लिखवाएंगे, है ना। तो नेमिंग कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं लिखूं यहां पे नेमिंग कार्बोहाइड्रेट, या इसी को हम लोग
क्या किस नाम से जान लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन का इसके मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो अगर मैं मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन की बात करें या मोनोसैकेराइड के नेमिंग की बात करें, है ना, तो मोनोसैकेराइड जो होता है इसको मैं दो पार्ट में लिख सकता हूं, क्लासिफाई कर सकता हूं। एक कौन सा, एक तो कीटो फॉर्म में और दूसरा एल्डो फॉर्म में। मैं पहले एल्डो कर दूंगा, अच्छा लगेगा, नहीं तो एक गुस्सा हो जाएगा, एक गुस्सा हो जाएगा कि मैं अल्फाबेटिकल में पहले आता हूं, मेरे को बाद में कर देगा, है ना। तो एल्डो को मैं पहले कर दे रहा हूं, कीटो को क्या कर दे रहा हूं। एल्डो का जो होता है बॉन्ड CHO प्रेजेंट हो, या कीटो में मैं कर दूं बॉन्ड CH2 बॉन्ड हो, बॉन्ड प्रेजेंट, है ना। तो ये येल्डो रूप होगा और ये रूप कौन सा होगा उसका, कीटो रूप होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एल्डो फॉर्म, है ना, सबसे पहले क्या देखें हम लोग एल्डो फॉर्म देख रहे हैं। तो येल्डो फॉर्म का जो येल्डो से मैं येल्डो का हूं क्या, सीधा सीधा कर दूं क्या है, इसके ब्राउन से मैं चलो येल्डो फॉर्म देख रहे, है ना। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, ये CHO और ये बॉन्ड किसके, CH2OH होल एंड, क्या बॉन्ड बनी है CH2OH है ना, होल एंड, और यहां क्या हो जाएगा ये CH2OH। इसके बनाने का जो सामान्य सूत्र होता है क्या हो जाएगा, CHO CHOS और ये बॉन्ड CH2OH, जहां n जो है इसकी जो ये नंबर है जो 1 से लेकर के 7 तक वेरी करता है, 1 से लेकर के 7 तक। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं या n इक्वल टू किसके हो, तो बनने वाला पहला जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको क्या मिलेगा, CHO, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा CHOS हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये बॉन्ड CH2OH। अब इसका अगर मैं नेमिंग करूं तो नेमिंग क्या हो जाएगा, अपने को OS की बढ़ा देना बस, है ना, 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा एल्डो ट्राइबोस, है ना, बोलो। और अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो अपने को क्या मिलेगा CHO, और ये बॉन्ड CHOS का होल ट्राइस बनेगा कि नहीं मिलेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2OH। अब की बार नाम क्या हो जाएगा, अब की बार नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 2 1 3 और एक ये 4 कार्बन है, तो नाम क्या हो जाएगा एल्डो टेट्रोस हो जाएगा, है ना। अगर मैं एन की वैल्यू 3 रखूं, एन इज इक्वल टू किसके हो जाए 3 हो जाए, तो देखो क्या होगा CHO और ये बॉन्ड CHOS का होल ट्राइस हो जाएगा, और ये बॉन्ड CH2OH। अगली बार नाम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 4 5 कार्बन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा एल्डो पेंटोस हो जाएगा, बोलो। अगर मैं एन की वैल्यू क्या रखूं, एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ इक्वल टू किसके था और यहाँ इक्वल टू किसके 4 के, तो देखो क्या मिलेगा CHO और ये बॉन्ड CHOS का होल 4 और ये बॉन्ड CH2OH, क्या मिलने वाला है एल्डो हेक्सोस, नाम क्या होता है इसका एल्डो हेक्सोस, है ना। और ग्लूकोज जो है इसी फैमिली में क्या नंबर है जो कि एल्डो हेक्सोस होता है, होता कि नहीं होता है, ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज क्या होता है, इसी फैमिली से मेंबर होता है। तो ये जो होता है ये एल्डो फॉर्म हो गया, अपने को करना क्या है OH क्या कर देना है बढ़ा देना। अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखता हूं तो एल्डो ट्राइओस बनेगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे। अगर मैं एन की वैल्यू 2 रखता हूं तो नंबर ऑफ कार्बन 4,
तो चार के लेके ट्राई यूज करते हैं कि नहीं करते हम लोग, तो टेट्रोज हो जाए, है ना, कोई दिक्कत? बताओ बेटा, कीटोस फॉर्म देख रहे हैं हम लोग, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये CH2OH, ठीक है, यहाँ बॉन्ड सी डुअल बॉन्ड हो और ये बॉन्ड CHOH का होल लेंथ और यहाँ पर CH2OH, इसका क्या होता है जनरल फॉर्मूला होता है, जहां एन की वैल्यू होती है 0 to 6 वेरी करती है, एन की वैल्यू 0 to 6 वेरी करती है, मैं एन इक्वल टू किसके रखूं, 0 के रखूं, एन इक्वल क्या रखें हम लोग 0 रखें, तो अपने को क्या मिलने वाला है CH2OH और ये बॉन्ड सी डुअल बॉन्ड हो और यहाँ पर बॉन्ड CH2OH मिलेगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कीटो ट्राइओज हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ये कीटो ट्राइओज हो जाएगा। अगर मैं ये इक्वल टू 1 रखता हूं तो CH2OH और ये बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड CHOH का होल लेंथ 1 रखूं या ना रखूं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा CH2OH, अपने को क्या मिलेगा यहां से, कीटो टेट्रोज, है ना। अगर मैं n इक्वल किसके रखूं, n इक्वल 2 रखूं, तो देखो n इक्वल 2 रखेंगे तो यहां 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो n इक्वल 2 होगा तो यहां से क्या हो जाएगा CH2OH और ये बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो और यहां CHOH का होल ट्वाइस और ये बॉन्ड CH2OH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब की बार नाम क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 5 आ जाएंगे, नहीं है क्या हो जाएगा, ये कीटो पेंटोस हो जाएगा। और अगर मैं n इक्वल 3 रखता हूं तो ये CH2OH और ये बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो और यहां CHOH का होल ट्राइस और ये बॉन्ड CH2OH, है ना, नाम क्या हो जाएगा इसका, कीटो हेक्सोज हो जाएगा, बोलो कीटो हेक्सोज होगा कि नहीं होगा। और फ्रुक्टोज जो है इसी फैमिली का एक मेंबर है, कीटो फैमिली का, है कि नहीं, देख लो टॉपिक का, इसको भी बाद में देख लेते लेकिन आज देख लेंगे तो उसको पढ़ने में आसानी होगी, है ना। तो अभी भी डालो आप डीएल कंफिगरेशन या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिलेटिव कंफिगरेशन, है ना। देखो डीएल कंफिगरेशन अपने को क्या बताता है, काइरल कार्बन से ओएस की पोजीशन को, अगर वो राइट साइड में हुआ तो डी होगा और अगर वो ओएस ग्रुप उस काइरल कार्बन के लेफ्ट साइड में हुआ तो क्या होगा। इसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड आइटम लेते हैं, स्टैंडर्ड कंपाउंड लेते हैं और नाम क्या उसका, ग्लिसरल्डिहाइड, है ना, रेडी है, क्या होता है, फूड वॉल बॉन्ड सीएस, बॉन्ड सीएस, बॉन्ड ओएच, यहां बॉन्ड CH2 और ये बॉन्ड ओएच, है ना, समझ में आया, ये ग्लिस रेडी है। अगर मैं डीएन कॉन्फिगरेशन देखो, इसका ओरिएंटेशन देखो, तो ये CH2 ग्रुप होता है और यहां होता है आपका CH2OH। अगर ये जो OH ग्रुप है ना, एक फॉर्मूला ये हो गया इसका, है ना, एक दूसरा भी मैं बताता हूं, ये CHO है और ये CH2OH है और ये X है और OH यहां 1, 2, 3 तीन कार्बन है, जिसका दो नंबर कार्बन जो है एक काइरल कार्बन है, काइरल कार्बन में समझ रहे हैं सभी, चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं उस कार्बन से, तो कार्बन क्या होगा,
कायरल कार्बन होगा। तो उस कायरल कार्बन से अगर ये OH ग्रुप कहाँ हुआ, राइट साइड में हुआ, तो डी होगा। नाम क्या हो जाएगा, डी एल्डिहाइड, है ना। नाम क्या होता है इसका, डी एल्डिहाइड। अगर ये OH ग्रुप उस कायरल कार्बन के लेफ्ट साइड में हुआ तो नाम क्या हो जाएगा, यल। इसी तरीके से जब ग्लूकोज की संरचना हम लोग देखेंगे, है ना, तो कौन सा ग्लूकोज डी ग्लूकोज है और कौन सा ग्लूकोज एल है, ये हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। यानी यहाँ देखते हैं हम लोग इसके लिए, यानी डीएल कॉन्फिगरेशन को प्रदर्शित करने के लिए अपने को स्टैंडर्ड एरर क्या लेना पड़ा, ग्लिसरेनहाइड। अगर दूसरे नंबर कायरल कार्बन है, अगर वो ग्रुप कायरल कार्बन के राइट साइड में होता है तो डी होता है। अगर वो कायरल कार्बन उस कायरल ग्रुप उस कायरल कार्बन से लेफ्ट साइड में होता है तो कंपाउंड कैसा होता है, क्लियर है। अल्फा बीटा तो बाद में देखेंगे जब ये वाले OH का कॉन्फिगरेशन करते हैं। इस वजह अगर ये OH ग्रुप राइट साइड में ग्लूकोज के तो अल्फा डी प्लस, अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा तो बीटा डी प्लस, है ना।